ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 29th चैप्टर एंड 35th वर्स। श्री शुक उवाच स एवम् आदर्शित योगमार्गः तत् उत्तम श्लोक वचो निशम्य बद्ध अंजलि प्रीति उपरुद्ध कंठो न किंचित उचे अश्रु परिप्लुताक्षः। ओके, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यहाँ पर सैवम आदर्शित योग मार्गस। सो जब उद्धव ने भगवान से ये आदर्श योग का मार्ग सुना, आदर्श मतलब आइडियल, मैं सोचता हूँ यहाँ पे शोन लिखने पर आदर्श मतलब आइडियल योग है, वी अंडरस्टैंड। सो जब भक्ति का योग, भक्ति का मार्ग भगवान ने बताया जो कि आइडियल है, आइडियल मतलब जो कि सबको प्रैक्टिस करना चाहिए और जिससे केवल भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो बार बार गीता में और भागवतम में भगवान बता रहे हैं न सांख्या न धर्म न उद्धव, न सांख्या न धर्म न योग किसी से नहीं होगी। तब उद्धव ने इस प्रकार सुना तदुत्तम श्लोक का वचो निशम्य, और भगवान के ये वचन सुने, किसके उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक एक भगवान का नाम है, तो भागवतम में भी फर्स्ट कैंटो में आता है, कई बार आता है, और उत्तम श्लोक के कई मतलब हैं इस नाम के। इनफैक्ट भगवान के एक नाम के कई मतलब हैं। भगवान विष्णु सहस्र नाम में, कृष्ण के विष्णु के हजार नाम हैं, और उन हजार नामों में से एक नाम के हजार मतलब है मिनिमम। इनफैक्ट तो मध्वाचार्य ने बोला कि अपने डिसाइपल्स को किया विष्णु सहस्र नाम पे मैं कमेंट्री दूंगा, तो मध्वाचार्य ने बोला एक एक नाम के हजार हजार मतलब है। तो जो कुछ लोग बैठे थे उनको इतना विश्वास नहीं, उन्होंने कहा ऐसे ही गप मार रहे हैं, एक नाम के हजार मतलब कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने डिसाइपल्स ने पूछा कि वेल आप कैसे कह सकते हो हजार मतलब है, मतलब आप बताओ हमें। तो बताना चाहेंगे ठीक है मैं बताऊंगा, मगर एक शर्त है कि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा हर नाम का मतलब तो तुम्हें रिपीट करना पड़ेगा, याद करके लिख नहीं सकते। उन्होंने कहा मैं मंजूर है। तो मध्वाचार्य ने पहला नाम लिया, बोलना शुरू किया, एक मतलब, दो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, दसवां मतलब, रिपीट करो, वो भूल ही गए। तो उन्होंने कहा वेल मैं हजार बता सकता हूँ मगर तुम योग्य नहीं हो। तो मध्वाचार्य ने अपने भाई यंगर ब्रदर को विष्णु सहस्र नाम के हजार मतलब बताए, मतलब हर नाम का हजार मीनिंग। और उन्होंने भी बोला कि जो व्यक्ति विष्णु सहस्र नाम इन हजार नामों के हजार मतलब समझ लेगा वो मुक्त हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। इनफैक्ट मध्वाचार्य के ब्रदर, यंगर ब्रदर अमर है, ही टोल्ड हिम। एंड उन्होंने बोला तुम बद्रिकाश्रम में रहो और जब अगला कल्प आएगा तो उसमें नॉलेज देना है। सो वेल मैं तो नहीं बता सकता सर मतलब इस नाम के, मुझे नहीं पता, बट उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि एक मतलब है कि जिन भगवान को उत्तम कहते हैं, उत्तम मतलब टॉप मोस्ट, उत्तम मतलब जो तमोगुण के परे है। यहाँ पे तमोगुण का मतलब है जो तीन गुणों के परे है, तो तीन गुणों के परे उनको उत्तम कहते हैं। उत्तम श्लोक मतलब ऐसे भगवान जिनको उत्तम मतलब भगवान, श्लोक मतलब श्लोक। सो ऐसे भगवान जिनकी ऋषि मुनि श्लोकों से और प्रार्थनाओं से
प्रशंसा करते हैं, और कैसे श्लोकों से, उत्तम श्लोकों से, और दैट्स अ मीनिंग, जिन उत्तम भगवान की उत्तम श्लोकों से प्रशंसा होती है और उत्तम भक्त करते हैं, उन भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है, दैट्स वन मतलब। वेल प्रभुपाद ही मतलब लिखते हैं। सो कहने का मतलब है कि उत्तम श्लोक की भक्ति करने के लिए आपको भी उत्तम बनना पड़ेगा, वरना आप उनकी पूरी तरह भक्ति मतलब पूरी तरह सेवा नहीं कर पाओगे। नहीं, एक किंग की सेवा करने के लिए मिनिस्टर भी क्वालिफाइड होना चाहिए, ऑर्डिनरी मिनिस्टर नहीं कर सकता किंग की सर्विस, तभी तो इंटरव्यूज होते हैं किसी भी कंपनी में। क्वालिफाइड है वो भी नहीं, ठीक है तुम्हें आता है दैट्स ओके, बट आर यू क्वालिफाइड, दैट्स अ क्वेश्चन। तो ठीक है हमें भक्ति आती है, बट क्या हम क्वालिफाइड है उनकी सेवा करने के लिए, वो क्वेश्चन है। ऑर्डिनरी सेवा तो सब करते हैं, बट स्पेशल सर्विस तो वो तो भगवान क्वालिफाइड लोगों को डिवोट करेंगे। और क्वालिफिकेशन क्या है भगवान की सेवा करने के लिए, वो है उत्तम, तीन गुणों से बियॉन्ड होना पड़ेगा। जितनी मात्रा में हम तीन गुणों से परे होंगे, उतनी मात्रा में भगवान अपनी सेवा में लगा लेंगे। बस दैट्स व्हाट वी हैव टू फिगर आउट। उत्तम श्लोक वचो निशम्य बद्ध अंजलि प्रीति ऊपर उद्ध कंठ हो। और जब उद्धव ने इस प्रकार सुना भगवान को, तो बद्ध अंजलि, तो उन्होंने उद्धव ने भगवान के सामने प्रार्थना की, बद्ध अंजलि प्रणाम किया, और प्रीति ऊपर उद्ध कंठ हो, और प्रीति से उद्धव का कंठ अवरुद्ध हो गया। सब हिंदी समझ रहे हो ना आपने, कंठ रुक गया मतलब ही स्टार्टेड उद्धव, उद्धव एक भक्त भगवान को प्रणाम करते या प्रार्थना या प्रशंसा करते क्यों होता है, क्यों रोना आ जाता है उसको। साधारण व्यक्ति जो भोगी व्यक्ति जब भगवान से प्रार्थना करते उसको क्यों रोना आता है, उसको रोना आता है अपने पाप का स्मरण करके या अपनी प्रॉब्लम स्मरण करके, उसको तब रोना आता है। मगर डिवोटीज को तो अपनी प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको तो मतलब ही नहीं है, उसको तो मतलब है भगवान से। तो भक्त क्यों रोता है, भक्त को रोना आता है ये स्मरण करके कि भगवान कितने महान है, कितने कृपा के सागर हो, कितने क्या कहते हैं, और हमारे हम पे कृपा करके अपने को कृतार्थ मानते हैं। सो भोगियों के आंसू तो दुख के होते हैं, भक्त के आंसू सुख के होते हैं, सुख के भी आंसू होते हैं, पता है फर्क कैसे पता लगता है दोनों में, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं एक्टर डिवोशन में, किसी को पता है कैसे पता लगता है दुख के आंसू सुख के आंसू में क्या फर्क है, किसी को नहीं पता। वेल इट्स सिंपल, प्रभुपाद लिख रहे हैं एक्टर डिवोशन में कि दुख के आंसू गर्म होते हैं और सुख के आंसू ठंडे होते हैं, आप छूते रहते हैं, इज अ डिफरेंस। सो उद्धव को एक्चुअली सुख के आंसू आ रहे हैं यहाँ पर, प्रीति ऊपर कंठ अवरुद्ध था, कंठ अवरुद्ध हो गया प्रीति से। सो एक्चुअली उद्धव यहाँ पे एक्सटेटिकल सिम्टम्स, उद्धव भाव की अवस्था में पहुंच गए, प्रेम की अवस्था में पहुंच गए भगवान की वाणी सुनकर। सो टेक्निकली अगर हम नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ेंगे तो दो चीजें होती हैं भक्ति में, भक्ति भक्ति में एक तो प्रेम है और उस प्रेम में रस होता है, उस प्रेम को हम प्रीति भी कहते हैं कई शब्द हैं, और जब वो उस प्रेम में भक्त की भावनाएं मिलती हैं तो उसको हम रस कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डिवोटी है जैसे उद्धव है, उद्धव में पहले से ही प्रेम है यानी, और जब उन्होंने भगवान की वाणी सुनी तो उससे क्या हुआ, उससे उससे रस प्रकट हो गया, जैसे समुद्र को मंथन करते हो। सो उस रस को लाने के लिए कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ। सो ऑफ कोर्स प्रेम प्रेम बेस है, मतलब समझ लो आप खाने में बेस होता है, नहीं होता है बेस कहते हैं ना इसको, बेस कहते हैं, समझ आ रहे नहीं आ रहे बेस, तो मतलब आपने सूप बनाया तो उसका पहले बेस बनाते हो,
फिर उसके बाद उसमें क्रीम डालनी है, सब्जी डालनी है, जो भी करना है, बट एक बेस बनता है पहले। सो प्रेम एक बेस है और उसमें हम कुछ चीज़ डालते हैं कि इससे रस प्रकट होता है। रस तो आपने कस्टर्ड बनाया, दैट्स ओके, बट फिर उसमें रस लाने के लिए चेरीज डालोगे या ड्राई फ्रूट्स डालोगे तो मज़ा आएगा, है नहीं, वरना ऑर्डनरी कस्टर्ड है। सो प्रेम में कस्टर्ड की तरह उसमें कुछ इंग्रीडियंट्स डालते हैं। क्या डालते हैं? स्वरूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, एक होता है उद्दीपन, उद्दीपन। तो प्रेम से रस लाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक होता है विषय, एक होता है आश्रय। तो विषय मतलब ऑब्जेक्ट जिसके प्रति प्रेम है, और आश्रय मतलब जिसमें प्रेम है, दोनों की जरूरत है। नहीं, और जो जो भक्त आश्रय हो गया, भगवान क्या हो गए? विषय। समझ रहे हो ना? समझ गए ना आप लोग? उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी भगवान आश्रय बन जाते हैं और भक्त विषय बन जाता है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भक्त में नहीं है, प्रेम तो भगवान में भी तो है। और फिर उसके बाद जो आश्रय, जो विषय वस्तु है, विषय में एक चीज होती है उद्दीपन, जो ऑब्जेक्ट है, जो भगवान है। भगवान में कई चीजें हैं जो भगवान भक्त के प्रेम को क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, भक्त के प्रेम को, भारतीय, हाँ एक्चुअली, हाँ मैं टेक्निकल वर्ड ढूंढ रहा था क्या था। सो भक्त के प्रेम को बढ़ा देती है, मतलब यार, सो उसको कहते हैं उद्दीपन। तो विषय में एक उद्दीपन होता है, जो ऑब्जेक्ट है आपका उसमें कुछ चीजें जो एक्साइट करेंगी आप, एक्साइट करते हैं। जैसे तो अलग अलग भक्तों को अलग अलग चीजें एक्साइट करती हैं, जैसे गोपियों को भगवान की वेणु, गोपियों के लिए भगवान की वेणु उद्दीपन है, भगवान की गायों के लिए भगवान की वेणु उद्दीपन है, भगवान की माँ यशोदा माँ के लिए कृष्ण के छोटे छोटे क्या कहते हैं कुंडल, या कृष्ण का उनकी आवाज, बच्चों की नहीं, माँ के लिए तो यही है, वो उद्दीपन है। सो अलग अलग उद्दीपन, अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग चीज उनको एक्साइट करती है भक्ति में, और इसीलिए भगवान हमेशा सुंदर और डेकोरेटेड रहते हैं, अपने लिए नहीं रहते। हम तो अपने लिए रहते हैं, नहीं, हम तो अपने लिए रहते हैं, हम तो सुबह सुबह तैयार होते हैं, स्मार्ट बनते हैं कि लोग मुझे देखेंगे, बस इतना ही है। हमारी थिंकिंग बहुत चीप और बहुत ही सुपरफिशियल है। भगवान सुबह सुबह तैयार होते हैं और बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं, मतलब आपने देखा ही होगा, वैजयंती माला पहन रहे हैं, मोर मुकुट लगा रहे हैं, कुंडल पहन रहे हैं, इतने सारे गहने पहन रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है अलग अलग भक्तों को अलग अलग चीज़ें देखकर रस का आस्वादन होता है, इसलिए भगवान एक भी चीज़ नहीं छोड़ते, एक दो घंटे लगाते हैं उनको मेकअप करने में, मैंने इमेजिन, उनके सर्वेंट्स करते हैं। सो जस्ट फॉर, अपने लिए कुछ नहीं करते भगवान, इसलिए उनका एक नाम है आत्माराम। आत्माराम मतलब होता है, आत्माराम वैसे तो टेक्निकली मतलब है जो अपने में रमन करता है, आत्मा मतलब आत्म, रमन मतलब रमन, जो अपने में संतुष्ट है। मगर भगवान के केस में आत्माराम का एक और मतलब है, आत्माराम का मतलब है, राम का मतलब है इंजॉयमेंट, रमन, और आत्मा क्या है भगवान के लिए, आत्मा क्या है भक्त की, आत्मा क्या है भगवान, भगवान की आत्मा क्या है भक्त। सो भगवान को आत्माराम कहते हैं क्योंकि भगवान का मन हमेशा अपने भक्तों में रमन करता है, हमेशा वो सोचते रहते हैं अपने भक्तों को आनंद कैसे दूं। So, इसको कहते हैं उद्दीपन, विषय वस्तु में उद्दीपन। उद्दीपन मतलब वो क्वालिटी जो अट्रैक्ट करती है, जो एक्साइट करती है प्रेम को, वो उद्दीपन हो गया। सो उद्धव के लिए यहां पर भगवान की वाणी उद्दीपन थी, बचा, तभी तो कह रहे हैं उत्तम श्लोक बचो निशम्य, भगवान की वाणी देखे सुन के वो प्रीति तो थी उनमें, ऊपर उठा कंठ, उनके कंठ अवरुद्ध हो गया। तो इसलिए भाव, जो कंठ अवरुद्ध होना, वो भाव में, भाव अवस्था के 8 लक्षण होते हैं जो प्रकट होते हैं शरीर में, उसमें रोमांच होता है, नहीं
और उसमें कंठावरोध होना होता है। इसलिए कहीं कहीं संत कहते, कहीं सेंट्स कहते हैं कि जिस दिन आपसे हरे कृष्ण मंत्र नहीं होगा उस दिन परफेक्शन हो गई। ऑफकोर्स आलस्य से सोने से नहीं, जिस दिन आप कर रहे हो और आप कर ही नहीं पाओ, बोल ही नहीं पा रहे हरे कृष्णा, कोशिश कर रहे हो नहीं बोल पा रहे, समझ लो उस दिन परफेक्शन के पास पहुंच रहे हो, क्योंकि आपका कंठ चैतन्य आप ऐसे थे, चैतन्य आप रात को भजन करते थे, रात को उनका प्रेम करोड़ों गुना बढ़ जाता था, क्योंकि मॉर्निंग में तो वो लोगों से डिवोटी से मिलते थे, प्रीचिंग होती थी, रात को अकेले होते थे, करोड़ों गुना प्रेम बढ़ जाता था, और रात को वो तो रात को बोलते थे हरे, सुबह बोलते थे कृष्ण, पूरी रात बोलते थे हाँ हरे 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 हाँ हाँ हरे, ऐसे ही बोलते रहते थे, कंप्लीट ही नहीं कर पाते थे, या रात को बोलते थे जग, सुबह बोलते थे नाथ, रोते ही रहते थे, रोते बोले नहीं और क्या करेंगे। दैट्स सम सेंट्स से लाइक दैट, सो बट वो ऐसा नहीं है, इसको उल्टा नहीं समझना चाहिए, जिससे हरे कृष्णा नहीं हो वो परफेक्शन के पास पहुंच रहे हैं, हम मुझसे तो प्रभु जी मुझसे तो कोई माला ही नहीं हो रही, सो दैट्स नॉट द आइडिया थे, वो भाव के सिम्टम्स है। कहाँ चला गया, कौन सा श्लोक तो 35। सो इसलिए ये प्रीति से तो रस लाने के लिए प्रेम चाहिए हृदय में, वरना रस नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेम बेस है ना, बेस में वो प्रेम में ही तो विषय और आश्रय आ रहे हैं, तभी तो उद्दीपन आ रहा है, तभी तो रस आ रहा है। इसलिए जो कहता है, जो भी व्यक्ति कहता है कि मैं भक्ति का रस आस्वादन कर रहा हूँ, बेवकूफ है, उसका प्रेम ही तो रस आस्वादन क्या होगा। सो यू सी द पॉइंट, इसका अगर आप दूसरा पहलू भी देखोगे तो जब भी समुद्र में तो लहरें कहाँ आएंगी, क्या कहोगे मेरे लहरें आ रही है, समुद्र कहाँ है ही नहीं, सूखा पड़ा है तो लहरें आ रही है, कहाँ लहर रहे हो आप, और जिस तरह का समुद्र होगा उसी तरह की लहरें आएंगी, नहीं तो पानी का समुद्र होगा तो उसकी लहरें अलग टाइप की होंगी, और पेट्रोल का समुद्र होगा तो उसकी लहरें शायद अलग टाइप की होंगी, डायनेमिक्स अलग आएगा, फ्लूइड का नहीं, फ्लूइड डायनेमिक्स अलग आते हैं होता है। सो अगर प्रेम का समुद्र होगा उसकी लहरें अलग होंगी, और भोग का समुद्र होगा वासनाओं का तो उसकी लहरें अलग होती है बस। सो डिपेंड करता है जिसके हृदय में प्रेम है, अगर वो संसार की वस्तुओं से कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो उसमें इफेक्ट कुछ और होगा, कि बेस अलग है ना, तो आप एक कस्टर्ड में डालो चेरी और गर्म पानी में डालो, फर्क होगा नहीं होगा, गर्म पानी में चेरी डालोगे खराबी हो जाएगी, कस्टर्ड डालोगे तो ठीक रहेगी शायद, या ठंडे कस्टर्ड में डालोगे तो ठीक रहेगी, गर्म में डालोगे नहीं, फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है बेस का। तो इसलिए ये संसार को हम भी देख रहे हैं, भक्त भी देख रहे हैं, मगर डिफरेंट रिएक्शन हो रहा है हार्ट में, अब वो डिपेंड करता है आपके हार्ट में क्या है, पहले से प्रेम है या भोगवासना है, उस पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज चिंगारी अगर आप सूखी घास पर डालो तो उसमें आग लग जाती है, और गीली घास पर डालो तो चिंगारी उठ जाएगी। तो शास्त्रों में लिखा है कि प्रेम को गीली घास से कंपेयर किया जाता है, और भोग और इस संसार की चीजों को सूखी घास से कंपेयर किया जाता है, सॉरी भोग वासनाओं को। तो अगर चिंगारी को संसार से, जब ये संसार गीली घास पे गिरेगा प्रेम पे तो कुछ नहीं होगा, वो ही खत्म हो जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, मगर सूखी घास पे गिर गई चिंगारी संसार तो आग लग जाएगी काम वासना की। सो इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर, प्रिपरेशन नहीं, लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन, बोला तो बोलते नहीं बोलते। प्रीति उपरोध कंठो न किंचित उचे अश्रु परिप्लुता, क्या सारे सारे सिम्टम्स आ गए, कंठ अवरोध हो गया, आंसू आ गए उनकी आंखों में, और न किंचित उचे, और बोल नहीं पा रहे थे वो भगवान से। सो उद्धव ने, मगर फिर उद्धव ने क्या किया, विष्टभ्य चित्तम प्रणया प्रणया अवघूर्णम, उद्धव ने विष्टभ्य, उद्धव ने अपना मन कंट्रोल किया। सो मन क्यों कंट्रोल किया उन्होंने, वेल उद्धव को आंसू आ रहे, मान लीजिए आपको चैंटिंग करते हुए आंसू आए तो रोकोगे, अब तो कोशिश करोगे और निकल जाए,
आते रहे नहीं मतलब पहले तो आता है नहीं, रेयरली आए तो भैया रोकना थोड़ा ना, मतलब यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस. नहीं बट उद्धव ने रोक लिया, क्यों रोके, क्यों रोक लिया, सो क्यों रोके, बिष्टभ्या चित्तम, क्योंकि उद्धव के लिए आंसू इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कंठ के अवरुद्ध होना इंपॉर्टेंट है और ना ही अपने में प्रेम इंपॉर्टेंट है. उद्धव के लिए तो सेवा ही इंपॉर्टेंट है. अगर सेवा के बीच में ये प्रेम के लक्षण भी प्रकट हो तो उसको भी हटा देना चाहिए. दैट्स द लेवल ऑफ अ डिवोटी. जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन है प्रभुपाद, प्रेम भी हम इसलिए चाह रहे हैं कि ये सेवा कर पाए. अगर सेवा ही नहीं हो रही तो प्रेम का भी क्या फायदा, क्या करोगे आप लेकर. सो नेक्टर डिवोशन में शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक डिवोटी था, एक्चुअली हाँ एक डिवोटी नहीं, दारुक भगवान का सर्वेंट, तो वो भगवान को फैन कर रहा था, तो फैन करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए, हाथ कांपने लगे. प्रेम से, प्रेम तो है ही उद्दीपन, भगवान को देखकर हाथ कांपने लगे, तो उन्होंने रोक लिया अपने आप को, क्योंकि उस हाथ कांपने से क्या हो रहा था, सेवा, सेवा रुक गई. तो इसलिए शास्त्र, इसलिए प्रभुपाद देवी कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर को कोट करते कि डिवोटी कभी भी अपने लक्षण भार नहीं दिखाता, क्योंकि लक्षण और लक्षण दिखाने से आपकी सेवा रुक जाएगी. शायद आप नहीं रोको, दूसरे रोक देंगे पूजा लाभ प्रतिष्ठा देकर, ऐसा भी होता है. इसलिए प्रभुपाद की एडवाइस है कि अपनी भक्ति को बाहर दिखाना नहीं चाहिए. वो इसलिए नहीं दिखाना चाहिए, लोग सोचेंगे मैं भक्ति को बाहर इसलिए नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि मेरा, मेरी हानि हो जाएगी. नहीं नहीं, मैं मेरे में नहीं सोचते, भगवान की सेवा की हानि हो जाएगी. अगर आपको भक्ति के लक्षण दिखा के आपकी सेवा बढ़ रही है, दूसरों की सेवा बढ़ रही है, तो दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम इसी सेवा के प्रिंसिपल से चलते हैं. तो उन्होंने रोक लिया क्योंकि वो भगवान से कुछ पूछना चाहते थे और ही वांटेड टू टेल कृष्णा समथिंग. कन्वर्सेशन चल रही है ना, तो भगवान की तो विष्ट अभ्या चित्तम प्रणया अब अभ्या घूर्णम. जबकि उद्धव का चित्त पूरी तरह प्रणय, प्रणय प्रणय प्रेम का एक शब्द है, प्रेम की उच्च अवस्था को प्रणय कहते हैं. सो प्रेम के बाद भी स्टेजेस हैं, प्रेम पे एंड नहीं आती स्टोरी. क्योंकि अगर प्रेम पे एंड हो गई स्टोरी तो प्रेम प्रेम ही क्या, जो प्रेम अनंत नहीं है उसको प्रेम आप कह नहीं सकते. सो प्रेम के बाद मान है, मान के बाद स्नेह, स्नेह के बाद प्रणय, प्रणय के बाद भाव, और भाव के बाद महाभाव, और उस महाभाव अवस्था पर राधारानी. और प्रेम के बाद हम नहीं पहुंच सकते. प्रेम के बाद आप इस शरीर में, अगर प्रेम से ज्यादा एक शरीर में आपकी लाइफ आ गया तो आपकी बॉडी पिघल जाएगी, बॉडी खत्म हो जाएगी, टॉलरेट नहीं कर सकती. तो उसके बाद की स्टेजेस तो स्पिरिचुअल बॉडी में आती है. अब जब स्वरूप मिल जाएगा ना, तो प्रेम मान स्नेह प्रणय भाव महाभाव तब आता है. दैट्स इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या है. वो राधा रानी की अवस्था है. भाव महाभाव में भी अवस्था है, रूढ़ अधिरूढ़, वो अधिरूढ़ लेवल पे है. तभी तो राधा रस महिमा प्रेम रस सीमा, श्रीमती राधा रानी प्रेम की रस की सीमा है, उसके बाद कुछ नहीं है. तभी तो राधा कृष्ण की हम प्रार्थना करते, उनसे मतलब भक्ति करते हैं. तभी तो कहते हैं बिना राधा के कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती. आप क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बिना राधा के आप प्रेम समझ ही नहीं पाओगे. तो प्रेम की देवी है, उन्हीं से तो प्रेम मिलेगा आपको, और बिना प्रेम के कृष्ण की प्राप्ति होती नहीं. सुविष्ट अभय चित्तम प्रणय अभय घूर्णा धैर्य न राजन बहुमन ने माना. और उद्धव ने धैर्य रखा और बहुमन ने माना, और अपने आप को कृतार्थ मानते हुए भगवान को कृतांजलि ही प्राह यदु प्रवीरम, और हाथ जोड़ के भगवान को इस तरह बोले उद्धव. शीश न स्पर्शम, और बोलने से पहले उन्होंने अपना सर भगवान के चरणों में छुआ, हाथ जोड़ के छुआ, तद चरणारविंदम, और फिर उद्धव भी भगवान से कुछ बोले. सो मोरिडी से नाउ, क्या कह रहे हैं भगवान से. उद्धव इतने बड़े डिवोटी हैं कि भगवान से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, भगवान से फेस टू फेस बात कर रहे हैं. मतलब उनको फेस टू फेस देखने में हमें कितने जन्म लग जाएंगे, वो तो तभी एक्चुअली उद्धव भगवान के
द्वारका में टॉप मोस्ट डिवोटी उद्धव है, जैसे वृंदावन में टॉप मोस्ट डिवोटी राधा है, ऐसे द्वारका में टॉप मोस्ट डिवोटी उद्धव है। तो सनातन गोस्वामी ने एक बुक लिखी है बृहद भागवत अमृत, उसमें बता रहे हैं भगवान किसी से डिस्कस नहीं करते थे, सिर्फ उद्धव से करते थे अपने हार्ट की बात रात को। इनफैक्ट रुक्मणी और इनसे भी नहीं करते थे डिस्कशन, उद्धव से जरूर करते थे। उद्धव इतने नियर एंड डियर डिवोटी थे, और अब उद्धव जो कह रहे हैं उनकी बात हमें ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि अगर उद्धव इतने नियर डियर डिवोटी हैं भगवान के, तो उनकी बातों को समझ के और सुन के हमें हमें कुछ क्लू मिल सकता है कि हम भी कैसे भगवान के नियर डियर बने। नहीं तो जो जिससे प्रेम करता है उसकी बातें सुन के हमें भी कोई क्लू मिल सकता है ना कि भी इनको इससे प्रेम क्यों है, क्योंकि ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है। तब हम उद्धव की बात सुनेंगे तो हम भी समझ जाएंगे। तो उद्धव क्या कह रहे हैं, श्री उद्धव वाचा विद्रवी तो मोहो महाअंधकार हो। दैट्स उद्धव। उद्धव कह रहे हैं विद्रवीत मोह महाअंधकार हो, कि हे भगवान मैं महान अंधकार में गिर गया हूं। I had fallen into great darkness of illusion. एक्चुअली आपके बोलने से पहले मैं महान अंधकार में था, मोह में था, द्वेष में था। ये उद्धव की दीनता है, इसको प्रेम कहते हैं। नहीं प्रेम जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं हो सकता। सो एक डिवोटी को हमेशा भगवान से प्रे करनी चाहिए कि भगवान मैं सिंफुल हूँ, मैं एनवियस हूँ, मैं सेल्फिश हूँ। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इन चीज़ों से मुक्त हूँ, वो तो बेवकूफ़ी होगी, मैडनेस है। समो महाअंधकारो या आश्रितों में तब सन्निधानात, और आपने कृपा करके अब अपने एसोसिएशन से अपने संग से ये अंधकार दूर कर दिया। एक्चुअली 11th कैंटो में बाद में आएगा कि भगवान कह रहे हैं, उद्धव को कह रहे हैं कैसे, इसके पहले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उद्धव मुझे प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, भक्तों का संग। संग है रास्ता, या तो भक्तों का संग ले लो या मेरा डायरेक्ट संग ले लो। उद्धव को भगवान का डायरेक्ट संग मिल गया, सारी उनके इल्यूजन खत्म। या भगवान का नहीं तो भक्तों का संग मिलेगा, मगर संग तो कोई ना कोई होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई पूछेगा कि भी चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल सुग्रीव को भगवान की प्राप्ति कैसे हुई, हनुमान जी के संग से, ओके वी अंडरस्टैंड। या फॉर एग्जांपल अम्बरीश, या फॉर एग्जांपल देवर्षि नारद को भगवान की प्राप्ति कैसे हुई, 5-4 महाभागवत आए थे उनके घर में उनका संग करके। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ संग है। अगर पूछेगा भी गोपियों को कैसे प्राप्ति हुई भगवान की, उनको किसका संग मिला, उनको डायरेक्ट भगवान का ही संग मिला, ऑफकोर्स राधा रानी का भी। सो गोपियों के किसमें सीधा डायरेक्ट भगवान का संग मिलेगा। गरुड़ जी को किसका संग मिला, डायरेक्ट भगवान का। हनुमान जी को किसको मिला, डायरेक्ट भगवान का ही मिल गया। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि संग ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट भक्ति में संग है, संग। तो एसोसिएशन हम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इनफैक्ट भगवान ने यह भी कहा 11th कैंटो में कि मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, गरुड़ जी का, हनुमान जी का, सुग्रीव का, इन लोगों ने सिवाय संग के और कुछ किया भी नहीं। स्पेशली गोपियां, गोपियों ने तो ना तपस्या की, ना उन्होंने योग किया, ना यज्ञ किया, और ना ही गुरु धारण किया, फिर भी भगवान के प्रेम तक पहुंच गई वो। कैसे, भगवान का संग करके। तो भगवान आप पे वैल्यू, इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरु नहीं ले, वो नहीं ले, बट भगवान बता रहे हैं कि सारे आइटम्स, सारे आइटम्स क्या कह रहा हूँ, सारे सारे पॉइंट्स क्या यानी सारी चीजों में से संग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए कभी जीवन में कुछ छूट रहा संग मत छोड़ो। और माया अगर कुछ छुटवाएगी तो संग छुटवाएगी, बाकी चलने देगी। माया नहीं कहती चैंटिंग मत करो, कभी नहीं कहेगी आपसे। माया कहेगी भक्तों के पास मत जाओ, बस। तो आप कहोगे क्यों नहीं जाए, तो वो फिर कुछ ना कुछ लॉजिक आपके दिमाग में डाल देगी, या कोई ऑब्स्टिकल डाल देगी आपकी लाइफ में, आप जा ही नहीं पाओगे, क्या कर लोगे, नहीं जा सकते, स्टॉप कर देगी आपको। सो उद्धव ये प्रिंसिपल ला रहे हैं।
पिभावशो किम नु समीप गायस्य। तो उद्धव कह रहे हैं कि शीतम तमो भी प्रभवंत अजात, एग्जाम्पल दे रहे हैं। उद्धव कह रहे हैं कि भगवान सूरज के पास ठंड हो सकती है? नहीं हो सकती। उसी प्रकार आपके पास अंधेरा नहीं हो सकता। आपसे जो कनेक्टेड है उसके पास, उसके हृदय में अंधेरा नहीं हो सकता, वो संभव ही नहीं है। जैसे प्रकाश में अंधेरा संभव नहीं है, उसी प्रकार भगवान के संग से और भक्तों के संग से अज्ञान का अंधेरा संभव है ही नहीं, इफ यू आर ट्रूली एसोसिएटिंग इन दैट सेंस। क्योंकि कभी कभी हम संग करते भी संग नहीं कर रहे होते, मतलब कई लोगों ने भगवान का भी संग किया और माया में पड़ गए। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु के का सर्वेंट है काला कृष्णदास, वो माया में पड़ गए, मतलब भगवान के सर्वेंट और सेड्यूस हो गया, उनको ले गया, उसको पकड़ गया एल्योर करके। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। अगर संग, संग मतलब संग करना, संग मतलब, संग का मतलब होता है कि विचारों का आदान प्रदान, इसको कहते हैं संग। बस साथ में बैठना संग नहीं है, सिर्फ लेक्चर सुनना भी संग नहीं है। अगर आपके थॉट्स एक्सचेंज नहीं हो रहे तो वो संग नहीं है। या तो आप मेरे थॉट्स ले रहे हो या आप मेरे थॉट्स ले रहे हो, थॉट्स का एक्सचेंज होना चाहिए कुछ विचारों का। तो विचारों से संग होता है, शरीर से नहीं होता, कहने का मतलब है विचारों से संग होता है। सो शीतम तमो प्रभवंति अजादय। सो उद्धव कह रहे हैं प्रति अर्पितो में भवा भव भवत अनुकंपा। उद्धव कह रहे हैं कि भगवान इन रिटर्न ऑफ माय इनसिग्निफिकेंट सरेंडर, मैंने आपकी शरण ली है, आपकी सेवा की है, मगर ये सेवा तो बहुत छोटी है। उद्धव बता रहे हैं प्रेम क्या चीज है, नहीं डिवोटी है ना, तो किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके शब्दों से वो पता लगाता है ना, यानी दैट्स व्हाई क्या कहते हैं, अ मैन इज नोन बाय हिज वर्ड्स या एक्शन, सॉरी कहते हैं फूल इज नॉट नोन अनटिल अनलेस ही स्पीक्स। नहीं, जब तक मूर्ख नहीं बोलो तब तक वो विद्वान ही लगता है। सो एक शब्दों से आप बता सकते हो व्यक्ति कौन है। सो उद्धव क्या है, वो कह रहे हैं कि भगवान मैं आपके, मैं जो मैंने आपको सरेंडर किया है उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, और आपने उस वैल्यूलेस सरेंडर, आपने उस शरण को जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके बदले आपने मुझे कितनी महान कृपा दे दी। ये उद्धव कह रहे हैं, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ एक सेंस में, बट फिर भी आपने कृपा दे दी। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव ही कृपा है, सीधा पॉइंट। सो भक्त भगवान से इसलिए बोलता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, फिर भी आपने कृपा दी, क्योंकि जिससे भगवान की ग्लोरिफिकेशन हो, भगवान की प्रशंसा हो। कि भगवान का स्वभाव है कृपा करना, इसका स्वभाव होता है कृपा करना, वो नहीं देखता फिर सामने क्वालिफिकेशन नहीं क्वालिफिकेशन, वो तो कृपा ही करता है बस, है नहीं। तो स्वभाव है मदद करना, वो मदद ही करेगा, वो नहीं देखेगा कि इसकी मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कहेगा भैया मैं तो करता ही हूँ बस, मैं करो मदद। सुमे भवत अनुकंपा भृत्याय विज्ञानमय प्रदीपा यू मर्सीफुली बेस्टोड अपॉन मी योर सर्वेंट द टॉर्च लाइट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। देयरफॉर व्हाट डिवोटी ऑफ योर्स हु हैज एनी ग्रेटिट्यूड कुड एवर गिव अप योर लोटस फीट एंड टेक शेल्टर ऑफ अनदर मास्टर को अन्यम समयत शरणम त्वदीयम। त्वदीयम मतलब आपको छोड़ के को शरणम, एक भक्त दूसरों की शरण क्यों लेगा, कोई पॉइंट ही है। तो जब ऐसे मास्टर मिल गए जो कि आपको सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, आइडिया ये हो गया ना, फ्री में दे रहे हैं, मतलब आप कहोगे चलो मैं तो 16 माला कर रहा हूँ, मैं भक्ति अच्छी तरह कर रहा हूँ तो मुझे कृपा मिलनी चाहिए, वेल ये सोचना इतना अच्छा नहीं है। आप सारी भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छा है, मगर और इस भक्ति के बदले भगवान कृपा भी दे रहे हैं, मगर उस भक्ति की इतनी मूल्यता नहीं है कि वो भगवान की कृपा ले ले। उस भक्त, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान की कृपा खरीद ले, वो तो भगवान तो ये है कि वो देखते हैं कि भी बच्चा थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है तो खुश होकर दे देते हैं उसको कृपा,
नहीं ऐसे होते नहीं होते। तो जब बच्चे लिखते हैं ना कॉपी पे, पापा कहते हैं लिखो, तो वो ए और बी लिखेगा, वो कीचड़ होगी ये भी, कुछ होगा ही नहीं वहाँ। कि पापा कहेंगे गुड गुड, नहीं कहते, नहीं कहते फादर, मदर वाला कहते हैं गुड गुड, उसको वो देखेगा ये क्या है, ये तो कीचड़ है, तो क्यों कह रहे हैं। तो बच्चा अपने माइंड में सोच रहा होगा कि मैंने अच्छा लिखा है तभी पापा गुड कह रहे हैं, वो अपने माइंड में ऐसा सोच रहा है, मगर एक्चुअली फैक्ट नहीं है। फैक्ट है कि उसको इनकरेज करने के लिए, और वो तो मदर फादर का स्वभाव है, उनके हृदय में बच्चे के लिए कृपा ही है और क्या है, तो उसको गुड ही कहेंगे। तो अगर बच्चा बच्चे की तरह सोचेगा तो उसको लगेगा कि मैं जो सही लिख रहा हूँ और इसलिए मुझे गुड मिल रहा है। मगर अगर बच्चा बाई चांस पेरेंट्स की तरह सोचने लगे तब उसको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली मेरे लिखने की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो पेरेंट्स मुझे प्रेम करते हैं इसलिए मुझे गुड कह रहे हैं। नहीं, यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो बच्चा कुछ लिखेगा नहीं तब तो कुछ होगा ही, जब तो गुड मिलेगा ही। सो भक्ति करने, भक्ति की क्या वैल्यू है, भक्ति हम कर रहे हैं इसलिए, इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की प्राप्ति भगवान के द्वारा ही होती है। इसलिए श्रवण आदि शुद्ध चित्ते स्वयं उदय नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू न हुए। भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की कोई साधना नहीं है, ऐसा भी बोला जाता है, असाधन कृष्ण असाधन प्राप्त है, कोई साधना नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान देना चाहे तो देंगे, नहीं देना चाहे तो नहीं देंगे। मगर इसको उल्टा सोचते हैं, समझते हैं लोग, इसको लोग समझते हैं जब कोई साधन ही नहीं है, ऐसे लिखा है शास्त्रों में, भगवान अपनी कृपा से ही अपने आप को बांटते हैं, तो लोग सोचते हैं इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स रॉन्ग थिंग। कोई साधन नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब है कि अपनी साधना का अहंकार नहीं होना चाहिए। साधना तो हम इसलिए बच्चों बच्चे की तरह कर रहे हैं कि भगवान देख ले भी कुछ कुछ मेहनत कर रहा है ये दिखाने के लिए। साधना तो हम इसलिए कर रहे हैं दिखाने के लिए कृष्णा आई वॉन्ट यू, बस। साधना इसलिए नहीं कर रहे कि मैं इतनी साधना करके दिखा दूंगा कि भगवान को कृपा देनी पड़ेगी, वो नहीं है पॉइंट। समझ गए नहीं समझ गए, तो ये क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अदरवाइज सोचेंगे मेरी माला इतनी अच्छी हो रही है इसलिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है। माला अच्छी हो रही है, बात सही है, मगर भगवान ये देख के नहीं दे रहे आपको कृपा की आपकी सिर्फ माला अच्छी हो रही है। अगर क्योंकि माला हो क्या अच्छी, अच्छी का मतलब क्या, वो आपके हिसाब से हो रही है ना। वैसे अगर भगवान ध्रुव को देखे तो नारद मुनि को देखे, माला तो गंदा है, क्या चल रहा है आपको, कुछ नहीं चल रहा। बट द फैक्ट कि आपने थोड़ा सा ट्राई किया, कोशिश की, उस कोशिश को देख के भगवान कृपा देते हैं। इसलिए कृष्णा एक्शन नहीं देखते, सिंसियरिटी देखते हैं उसमें, ये पॉइंट है। कृष्णा नहीं देखते आपने अपने माला कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इसमें सिंसियरिटी कितनी है, आप कितना करना चाहते हो, वो चाहत देखेंगे पहली पहली चीज। और अगर उसके साथ साथ आपने कर भी दिया वो तो चलो एडिशनल बोनस है, वो तो बोनस है। सो वी हैव टू थिंक लाइक गॉड, नॉट लाइक मैन। हम जनरली इंसान की तरह सोचते हैं, भगवान की तरह नहीं सोचते। भगवान की तरह सोचेंगे तो भगवान समझ आएंगे। और भगवान की तरह कैसे सोचें, वेल शास्त्र पढ़ने से हम सोच सकते हैं भगवान की तरह, या यही सोच सकते हैं कि भगवान क्या सोच रहे हैं, कहने का मतलब ये। सोधव ने ये बोला एंड देन ओके टुमारो आई विल डिस्कस। उद्धव अब प्रे कर रहे हैं भगवान से, प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, नहीं प्रेयर या नहीं प्रेयर्स अब नेक्स्ट श्लोक से होगी। 49 श्लोक में कृष्णा और 50 श्लोक में उद्धव कह रहे हैं, द फर्मली बाइंडिंग रोप ऑफ माई अफेक्शन फॉर फैमिलीज ऑफ विष्णीज एंड दक्ष सातवतास अ रोप यू ओरिजिनली कास्ट ओवर मी माई ओलीजुर एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग योर क्रिएशन इज नाउ कट ऑफ बाय द वेपन ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ द सेल्फ। सो उद्धव कह रहे हैं वृकनस चमे दो दृढ़ स्नेह पाशो, कि भगवान आप सारे जीवों को इंक्लूडिंग मी अपनी माया से स्नेह पाश में बांध देते हैं। फंस गए ना स्नेह में, संसार का जो बॉन्डेज है वो स्नेह है। जिस चीज की प्रशंसा हम करते हैं
जिसको अच्छा मानते हैं, से माँ और पुत्र का प्रेम कितना पवित्र मानते हैं, एक्चुअली वही बंधन है, वही बंधन है एक्चुअली, पवित्र बंधन समझ लो, ये कह लो आप, मगर बंधन तो बंधन होता है। सब किसी को लोहे की चेन से बांधो या सोने की चेन से, एक ही बात है। राजा कहता नहीं मुझे सोने की चेन से बांधना चाहिए, ठीक है ले बन जाओ, उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। सो उद्धव कह रहे हैं कि सारे संसार के लोग स्नेह पाश में बंधे हुए हैं और उसको तोड़ना असंभव है, कोई नहीं तोड़ सकता। कुछ 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 ही लोग जो तोड़ के निकल जाते हैं, सिद्धार्थ, ध्रुव, नारद तोड़ के निकल गए, शायद एक होगा, हजारों लाखों में से एक होगा, इम्पॉसिबल है। अगर शरीर से तो स्नेह है ही, कुछ नहीं है तो शरीर से तो स्नेह है, आपको मारने आएंगे तो आप रजिस्टर करोगे ही, शरीर को कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्टर्ब भी हो जाओगे। इस शरीर से जितना स्नेह उतना किसी चीज से नहीं है। स्नेह पाश में बांध दिया आपने, दशहरा वृष्णि अंध का सातवें देशु, सो मेरे रिलेटिव हैं, उद्धव ने कहा मेरे इतने सारे मेरे फैमिली है, जो भी है, फैमिली तो नहीं ब्रह्मचारी थे, तो वो उनसे मैं पूरी तरह स्नेह अटैचमेंट में बंध गया, मगर प्रसार इतना सृष्टि वृद्ध है तो आया। तो भगवान ने ऐसे पूछा उद्धव, उद्धव फिर मैं स्नेह पाश करता ही क्यों, क्वेश्चन ही है, मतलब तुम कह रहे हो मैंने बांध दिया तो मुझे क्या शौक है किसी को बांधने का, क्या मैं फूल हूँ क्या किसी को ऐसे ही बांधता रहूँ और ट्रबल में डालता रहूँ। सने उद्धव कह रहे नहीं भगवान, प्रसार था आपने ये स्नेह पाश इसलिए डाला है सृष्टि वृद्ध होते हुआ सृष्टि चलाने के लिए, इसलिए स्नेह पाश डाला होगा सृष्टि, द पर्पस फॉर डेवलपिंग योर क्रिएशन। तो स्नेह पाश नहीं होगा तो पहले बात तो सृष्टि चलेगी नहीं, मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, कोई शादी नहीं करेगा, कोई बच्चे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, सब अपना मेडिटेशन करते रहेंगे बस निकल जाएंगे। मगर आप ये लॉजिक नहीं कह सकते कि स्नेह की तो अच्छा है, अटैचमेंट अच्छी है और मैं और अटैच होऊंगा क्योंकि भगवान की सृष्टि चलाने में मदद करूंगा, दैट्स अ गुड बैड लॉजिक, वो गलत लॉजिक है, वो भगवान ने ऐसा बनाया है। एक राजा जेल बनाता है अपने प्रजा को अच्छे से चलाने के लिए, इसका थोड़े ना मैं रोज जेल जाऊंगा राजा को प्रजा चलाने के लिए, नॉनसेंस, गलत आइडिया। सो भगवान ने सृष्टि चलाने के लिए बनाया, जो सृष्टि चलाना चाहते हैं उनके लिए भगवान ने स्नेह पाश बना दिया कि भाई चलाओ, फिर मैं नहीं चाहता चलाना, तुम चलाना चाहते तो लो ये चीज़ ले लो, इसे चलती रही कोई प्रॉब्लम है, चलाओ चलाओ, मगर इसका कॉन्सिक्वेंस ही बता देता हूँ कि चलाने से क्या होगा, मैं नहीं चाहता हूँ तो मैं चलाने नहीं, ऐसे बच्चा कहते पापा मैं चलाऊंगा साइकिल साइकिल साइकिल, पापा कहीं गिर जाएगा भाई, स्कूटर चलाऊंगा एक्सीडेंट हो जाएगा, और सुन नहीं रहा पड़ा हुआ है तो ठीक है चला भी ले, अब गिर गिरेगा चोट लगेगी फिर अकल आ जाएगी उसको, सो ऐसे ही है। तो भगवान ने स्नेह पाश भगवान कह रहे हैं कि मैंने नहीं बनाया, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम इंटरेस्टेड हो और स्टबन हो, दैट्स अ पॉइंट। स्टबन समझते हो, स्टबन पता है ना, स्टबन कैसे कहेंगे, जिद्दी, जिद्दी, तुम इंटरेस्टेड हो संसार में रहने में और चलाने में और जिद्दी भी हो, मेरी बात सुन नहीं रहे तो लो स्नेह पाश लो, ऐश करो और फिर तुम्हें पता लगेगा कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी छोटी सी अटैचमेंट से इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स, देख रहा, मतलब हस्बैंड वाइफ, मतलब शादी से पहले कोई अटैचमेंट नहीं थी, शादी होते आपको अटैचमेंट हो गया और उससे करोड़ों प्रॉब्लम्स आ गई, अगर आप मानते प्रॉब्लम्स हैं तो वो बात अलग है, सो प्रॉब्लम्स तो है ही जस्ट सिंपली ड्यू टू अटैचमेंट, अगर आप अटैच नहीं हो तो काम खत्म। मतलब मैरिज तो एक मेंटल एडजस्टमेंट है ना, मतलब लीगल भी है वो, तो चलो लीगैलिटी तो हमने समाज ने बनाई है, वैसे तो मेंटल है, ठीक है मैं ऐसे अटैच्ड हूँ, मुझसे अटैच्ड है, अगर आपकी अटैचमेंट खत्म, सब खत्म एक झटके में, सब खत्म हो गया, कभी तो लोग डाइवोर्स लेते हैं क्योंकि अटैचमेंट खत्म, तो भैया मैं क्यों रहूँ इसके अंदर, मैं क्यों रहूँ, फायदा फायदा क्या, भाड़ में जाए, खत्म एक सेकेंड में, 20 साल का रहना सब खत्म, डाइवोर्स फिनिश। सो तो इसलिए
ये स्नेह पार्श्व, मगर डिवोटी को समझ आ जाता है कि मुझे डिवोटी इंटरेस्टेड नहीं है संसार चलाने में, उसको पता है भगवान का है, मुझे तो रहना ही संसार में, भगवान चलाने नहीं चाहते हम क्यों चलाएं फालतू में, मुझे तो निकलना है संसार से। तो डिवोटी एक झटके में उसको खत्म कर देता है स्नेह पार्श्व को। सो माया ही आत्मा सुबोध हेतु न भगवान, मगर आपने एक झटके में अपना ज्ञान देके उस स्नेह पार्श्व को खत्म कर दिया। इसलिए गीता कह रहे हैं क्या है वो श्लोक, बाय द सोर्ड ऑफ नॉलेज कट दिस अटैचमेंट असंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्वा, कृष्णा कह रहे हैं। तभी एक्चुअली रोज भागवतम पढ़ना सुनना बहुत जरूरी है, वरना अटैचमेंट्स खत्म नहीं होंगी, वो वहीं की वहीं बनी रहेंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। वो तो मैं कल बता रही रहता ना, अटैचमेंट सब पता लगती है जब कुछ चीज डिटैच होती है। तो ऐसे तो आप कहोगे ठीक है मैं अटैच हूँ अपने घर से अपने कपड़ों से, ठीक है, अगर घर कोई छीनेगा तब चिल्ला हो गया। अब क्यों चिल्ला रहे हो, तुम तो कह रहे थे अटैच नहीं हो, तुम तो बहुत अटैच बन रहे थे वैराग के, महावैरागी, अब क्यों चिल्ला रहे हो। सो वो पता लगता है। सो मगर ये स्नेह पास धीरे धीरे कटता है, इसको आप एक झटके में नहीं काट सकते, वो हरे के लिए पॉसिबल नहीं है, हरे के लिए पॉसिबल नहीं है। वो धीरे 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 काटते रहो, जैसे पेड़ को नहीं काटते सौ से, धीरे 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 कट चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, एक दिन खट पड़ जाए। सो चलाते रहना पड़ेगा, आप छोड़ दोगे फिर से उग जाएगा वो, छोड़ के चले जाओ दो साल फिर से वो प्रॉपर बन जाएगा, है नहीं, वो तो रिप्लेनिश कर लेता है ना। तो चलाते रहना पड़ती है हरी, रोज चैंटिंग, रोज सुनना, रोज सेवा, तो धीरे 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 और डीप जाता रहता है कट, डीप जाता रहता है, डीप जाता रहता है। सुधम ने कहा कि भगवान आपकी बहुत कृपा है, अब उद्धव इस 40th वर्ष से अपना या 40th वर्ष से अपनी प्रेयर शुरू करते हैं। ये पिछला श्लोक 39 श्लोक था, 40th श्लोक से प्रेयर शुरू करते हैं। प्रेयर्स मैं आप थर्सडे को डिस्कस करूँगा मॉर्निंग। ओके, कुछ पूछना है, कुछ करना था फ्राइडे को ना, थर्सडे मॉर्निंग होता है ना, ट्यूजडे थर्सडे है ना, हाँ थर्सडे मॉर्निंग डिस्कस करेंगे, थर्सडे ही है ना, आज वेडनेसडे ट्यूजडे है, मैं स्पेस आउट हो गया, फ्राइडे है, वेडनेसडे को मॉर्निंग में होता है क्या, अच्छा इवनिंग में दो बार, हाँ अच्छा 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 ओपन हो गया, ठीक है ओके, फ्राइडे को करेंगे मॉर्निंग। एनी क्वेश्चंस, कुछ पूछना है, कुछ नहीं। प्रेम जो है, प्रेम में रस लाने के लिए आपको दो कंपोनेंट्स चाहिए, एक विषय और एक आश्रय। विषय मतलब ऑब्जेक्ट, आश्रय मतलब सब्जेक्ट। तो विषय क्या है, भगवान है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, और सब्जेक्ट कौन है जो एक्सपीरियंस कर रहा है उस विषय को से इंटरेक्ट कर रहा है, वो है डिवोटी। कभी कभी उल्टा भी आता है, आश्रय भक्त भगवान बन जाते हैं और विषय भक्त बन जाते हैं, विषय आश्रय भी, विषय आश्रय और भी कुछ चीज थी भूल गया, उद्दीपन, हाँ उद्दीपन था, विषय में उद्दीपन होते हैं तो एक्साइट करते हैं, नहीं जैसे कुछ 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 लोग कुछ कुछ बॉयफ्रेंड्स कहते हैं मैं तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ कहते हैं तुम्हारे लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो किसी को कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, क्यों उसको पता है। तो ऐसे ही भगवान में कुछ चीज़ें हैं, तो हर डिवोटी को अपने मूड के अनुसार, माधुर्य भाव में, वात्सल्य भाव में, भगवान के कुछ कुछ करैक्टरिस्टिक्स को देख कर उसकी प्रेम बढ़ जाएगा, वेरी गुड, उसका विश्वास। ओके दैट्स इट, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।